तो आज देखो, आज ना कुछ अतरंगी ट्राई करने वाले अपने पास कोड और सपोर्ट के लिए है थॉमसन। भाई ये क्या सीन है यार। तो मैं कहा था हाँ, कोड और थॉमसन के ऊपर। तो भाई लोग देखो, आज जो है हम कुछ यूनिक ट्राई करने वाले हैं। भाई मैंने पहले कभी चला ही नहीं है, लेकिन मेरे को एक सीक्रेट इस गन का पता है कि ये जब बैठ के अपन चलाते हैं ना, तो इसमें एक ही जगह तीन गोलियाँ निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज देती है, लाइक शॉट गन। अब आप लोगों ने इसको चलाया नहीं होगा कभी, अगर चलाया है तो आपने नोटिस नहीं किया होगा कि कोड एक ऐसी गन है जो शॉट गन की तरह काम करती है। बंदा दिख रहा है मेरे को सामने की तरफ, यहाँ पर देखते क्या होता है। ये बंदा नहीं आया बाहर, ये बंदा अंदर भागने नहीं दूंगा इसको। देखा मैंने, बोला था ना अंदर नहीं भागने दूंगा। यहाँ पे इसको कर दिया ख़त्म। लेवल 3 का बैग ग्लूअर, ओहो बहुत तगड़ी लूट थी भाई इसके पास में। यहाँ पर इसके पास भी अच्छी लूट है, M40 Level 1। लेकिन मेरे को कोड ही चलानी है यार, क्योंकि मैं इसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ यार। मैंने फ़िलहाल वीडियो तो यही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी, लेकिन मैं ट्रेनिंग में और बहुत सी जगह पे, मतलब बड़े मैप में भी इसी गन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। भाई मज़ा आता है यार इसको चलाने में। अभी भाई मैंने लगभग एक ही किल किया, इतनी देर हो गई मेरे को एक ही बंदा मिला है। मैं आया हूँ केप टाउन की साइड से, और वहाँ पे दो तीन बंदे थे जो आपस में ख़त्म हो गए, और एक बंदा दिखा था जो मतलब भाग गया वहाँ से, मतलब जोन की तरफ मेरी तरह निकल गया है। लेकिन वो बंदा मेरे को बीच में कहीं पे नहीं मिला। शायद यहाँ पे जो लड़ाई होती थी उनमें वो शहीद हो गया होगा, पता नहीं। अरे यार ये मैकलेरन भाई, इसका ये घूमती बहुत धीरे यार, शायद इसकी एबिलिटी है यार ये। आई थिंक मेरे को लगता है कि इस वाले जो मैकलेरन की स्किन में, मैकलेरन, हाँ सही बोला आपकी बार, इसमें स्किल होती है। यहाँ पे मेडी पड़ी है, मेडी उठा लेते हो और एमओ भी उठा लेते, क्योंकि इसमें एमओ ज़्यादा जाती है भाई। 70 गोलियाँ भर, भाई 70 गोलियाँ आती है इसमें, कहाँ भाई कहाँ ख़त्म होगी 70 गोलियाँ। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कभी चलाई है या नहीं चलाई गोली, क्योंकि भाई देखो इसको चलाओगे ना तो शॉट गन जैसी फीलिंग आएंगी। और रेंज एक AR गन जितनी होती है इसमें। यहाँ पे देखते हैं अगर अपने को कोई अच्छी सी गन मिलती है तो। भाई ये पिस्टल की जगह नहीं यार, पिस्टल की जगह नहीं उठती है। मैं ढूंढ इसी को रहा था कि कई बार अपने को मिल जाए तो, पता नहीं। यहाँ पे निकलते आगे की साइड, क्योंकि अपने को बंदे मिलना ज़रूरी हो गए भाई। अब अगर अपने को बंदे मिलते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मिलते तो भाई अपने को घुस घुस के मारना पड़ेगा, जो कि अपनी फितरत में ही है भाई। फिलहाल तो यहाँ पे निकलते हैं और देखते बंदे किधर की साइड है। यहाँ पे है ड्रॉप, और ड्रॉप के पास में भाई अपना तो BGMI तो है नहीं जो ड्रॉप के पास बंदे मिलेंगे। अपने भाई फ्री फायर में बंदे कोई जाते ही नहीं है ड्रॉप के पास में, पता ही नहीं भाई ड्रॉप को ऐसा क्या श्राप मिला हुआ है। यहाँ पे देखते आगे की तरफ चल के कि बंदे मिलते हैं या नहीं मिलते। जब तक आपने अगर तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो और वीडियो अच्छी लगे तो। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करता हूँ यार और बंदों की तरह, अपने तो सीधी बात है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगी और चैनल पे मोर वीडियोस देखने के बाद तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पे एक और बंदा मुझे दिख चुका है जो पहले मुझे फुट स्टेप आ चुके थे इसके। यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, एंड मेरे को लगता है वो बंदा आएगा इधर। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा अपने को घुमाने वाला है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, कहाँ पर है भाई, अरे इधर की साइड आ गया है भाई। नेड भी नहीं है यार, नेड होता ना तो भाई IQ यूज़ कर रहा है यार। यहाँ पे दिखाई तो दे रहे हैं वापस से, लेकिन शायद एम कनेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। कनेक्ट हुआ, 16 का डैमेज पड़ा यार। कोई बात नहीं, आगे की तरफ चल के देखते हो उसको। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि ये बंदा अपने को बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है। अब मैं डायरेक्टली जाके उसके ऊपर रश करने वाला हूँ, क्योंकि जिग जैग भागूंगा तो उस बंदे को जो है कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और डायरेक्टली अपन उसके ऊपर जाके रश कर सकते हैं। और अगर वो बंदा शाणपति दिखाता है तो अपने पास कोड है जो कि शॉटगन की तरह काम करती है। फिलहाल वो बंदा यहीं पर है और ये चिपके भाग रहा है अंदर की तरफ आ गया। यार ये चीज़ क्यों करते हो यार तुम लोग, डायरेक्टली बंदे के ऊपर चढ़ जाओ ना भाई, या तो मैं मरूंगा या तुम लोग मरोगे, सीधी बात। नो बकवास, देखो नेड और कर रहा है भाई। ये है ना, ये नोबड़ों की निशानी है। वैसे करता तो मैं भी हूँ नेड किया आया, और ये ख़त्म भाई। कितनी गोलियाँ लगी यार इसमें, अपने को मिल चुकी है सरप्रेसर, इज लाइन साइलेंसर जिसको अपन बोलते हैं, वो थॉमसन में लगे अपने। ये मशीन गन है यार एक, शायद मेरे को लगता है ये मशीन गन ही है, क्योंकि जिस तरह से इसमें गोलियां जो आती है 70 गोलियां, और ऊपर की तरफ बंदा है,
और ये बैठ देना तो इसके नीचे स्टैंड सा बन जाता है, पता नहीं क्या होता है यार इसमें सा। अब इस बंदे का जो है मैं पीछा करने वाला हूँ, ये बंदा कहाँ तक जाता है? आई थिंक ये बंदा अपने को घुमाने वाला बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बंदे को फिलहाल पता नहीं है। और मैं फालतू में इसके ऊपर फायर करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे जोन में फंसना नहीं है। बंदा यहाँ पर बैठा लेकिन मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया इसने। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकलते आगे की तरफ। भाई मुझे लगता है कि ये वाला मैच अपन आराम से भुया कर सकते हैं विद कोड। यहाँ पे बैठा अब आराम से मार सकता हूँ उसको, ये ख़त्म। भाई लिटरली बताऊँ ना तो अगर लेवल 3 का हेलमेट भी है ना, तो आपकी एक गोली का डैमेज भी लगभग 50 से 60 तक का पड़ता है हेड पे। वो बहुत ज़्यादा यार, अगर तुम्हारी एक गोली या तीनों गोलियाँ पड़ती है तो भाई तुम एक स्प्रे में बंदे को ख़त्म कर सकते हो। एक स्प्रे यानी कि बस एक या दो गोली में बंदे को आराम से फिनिश कर सकते हो। ये चीज़ तो मैंने अभी तक नोटिस नहीं की कि इसमें एक बार चलाने पे 3 गोलियाँ निकलती है, सिंगल बुलेट निकलती है, लेकिन बहुत काम की गन है यार। यहाँ पर ग्लू होल है लेकिन अपने पास 9 ग्लू होल है, 14 बंदे बचे हैं। इतने तो भाई सारे बंदे अपन मारने वाले हैं नहीं। सामने की तरफ लगा है क्रोनो, फिलहाल वहाँ पर चलते हैं। क्या वो बंदा निकलेगा वहाँ से? निकला दिखे, निकला निकला। ओके वो बंदा वहाँ से निकल चुका है। अब अपन इधर की साइड से जाएंगे, मुझे लगता है जिधर वो जा रहा है उधर की साइड और बंदे हो सकते हैं। मेरे को पता ही था यार यहाँ पे बंदे होंगे, और जो फैक्ट्री उसके अंदर भी बंदा है कोई। यहाँ पे देखते हैं यार ये बंदा कहाँ पर है। मेरे को लग रहा है कि टावर में है वो, और वो मुझे अब जाने नहीं देगा भाई अंदर। वो देख लेगा ना, देखो मार रहा है यार। अब भाई ऐसे बंदे को क्या कर सकते हैं यार। अब भाई वो बंदा देखते कहाँ पर है, इधर की साइड तो नहीं है। अब मेन चीज़ है कि वो बंदा अंदर की साइड है, लेकिन वो रहा बंदा। अब इसको यहीं पे छेड़ना पड़ेगा ये। ओके ख़त्म नहीं हुआ यार, भाई डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ा यार इसको तो। कहाँ मरेगा ये बंदा? यहाँ पर देखते क्या होता है। भाई ये बंदा जिग जग कर रहा है, ख़त्म। यहाँ पे इसकी एक और चीज़ बताऊँ, देखो ये ग्लूबॉल भी जल्दी तोड़ देता है। अरे भाई ये स्मोक वाला जो ड्रम फोड़ दिया यार इसने यार। अब भाई यहाँ पे मुझे IQ का यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल वो बंदा आएगा जोन में, और इधर वाले टावर में बंदा है तो मुझे पीछे की साइड से निकलना चाहिए यार। अब इधर से जोन आ चुका है और मुझे बिना जोन डैमेज के बाहर निकलना है, तो मुझे इस वाले गेट से निकलना पड़ेगा जो कि ये रहा। अब भाई यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे कि मैं मर सकता हूँ। आई थिंक देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बंदा है एंड भाई पीछे से भी कोई मार रहा है यार। वो बंदा निकल जाएगा क्या जोन में? आया बाहर एंड यहाँ पे एक बार ये चीज़ भाई अगली बार ट्राई करेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।